नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न है वो लाभ और हानि से संबंधित है। लाभ और हानि के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, फिर हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, एक मोबाइल को 18,075 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। एक मोबाइल है और उसको 18,075 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है, जितना उसे 14,025 रुपये में बेचने से हानि होती है। प्रश्न को समझिए कि जब उसे 18,075 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है, लेकिन उसे 14,025 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है, और जितने रुपए का लाभ 18,075 रुपये में बेचने से होता है उतने रुपए की जो हानि है वो 14,025 रुपये में होती है। अगर हम 18,075 रुपये में बेचते हैं तो जितने रुपए का लाभ होता है उतना ही हानि 14,025 रुपये में बेचने से होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इस वाले को लिख लेते हैं, या इसको हम मान लीजिए ए मान लीजिए, ये जो दिया गया है जिसको लाभ होता है उसे हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 18,075, और इसे हम बी मान लेते हैं तो बी बराबर हो जाएगा 14,025। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का सीधा सा एक सूत्र है, यहाँ पे हम लिख लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, ये हम कर देंगे ए माइनस बी अपॉन टू। तो घटा देते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 18,075 × 14,025/2। हमने दो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एक दिया गया है, एक को बेचने से लाभ हो रहा है और दूसरे को बेचने से हानि हो रही है। अब 18,075 में से 14,025 को घटा देते हैं, क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, और 8 में से 4 गया, क्या आएगा यहाँ पे 4 हो गया हमारा। पाँच में से पाँच गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 0 का 0, और 8 में से 4 गया 4, और 1 का 1 ही रहेगा। अब इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, कितनी बार में जाएगा, 2 2 ने 4, और 2 0 में 0, और 2 2 ने 4, और 2 5 10 हो गए, कट गया। अब ये जो हमारा आया है 2025, ये जो 2025 रुपये आया है, चाहे तो आप इसे लाभ वाले में से घटा सकते हैं या हानि वाले में से जोड़ सकते हैं। लाभ वाले में हम लिख लेते हैं कितने रुपए का लाभ हो रहा है, उसमें से हम घटा देते हैं, तो लाभ है हमारा 18,075, उसमें से हम घटा देते हैं 2025 को, कितना आता है, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 2 गया 5, और ये 0, और 8 में से 2 गया 6, और ये 1, क्या है हमारा 16,050। अब हानि में से देख लेते हैं भाई, आंसर आपका सेम आएगा, या तो आप लाभ में से घटा दीजिए या हानि वाले में से जोड़ दीजिए। हानि यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिया गया है, 14,025, इसमें से इसको हम जोड़ देते हैं 2025 को, तो ये हो गया 5 और 5 10 का शून्य, हासिल है 1 2 2 4 और 1 5, और ये 0, और 4 और 2 6, और ये 1, 16,050 इसमें भी आया। तो इन दोनों में से एक चीज़ आपको करना है, या तो आप लाभ में से घटा दीजिए या फिर हानि में से उसको जोड़ दीजिए। तो ये जो आपका आंसर आया है ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये देखिए प्रश्न कितना सरल था, तो आपको भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।